हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के मेरे इस ईमेल प्रोटेक्शन मॉड्यूल लास्ट वीडियो है, जिसमें मैं आप लोग को लास्ट डोमेन की KDMI के ऊपर डिस्कशन करूंगा। बिफोर डिस्कशन, मेरे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और जिस भी किसी भाई को फायरवॉल रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड ट्रेनिंग चाहिए या कॉन्फ़िगरेशन करना है, कहीं प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो मेरे इस ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोग को सपोर्ट करूंगा और आप लोग की हेल्प करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस यूट्यूब चैनल वीडियो को। तो मेरा गाइस, मैंने ये चार टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें आप लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी देख भी लिया है। ईमेल प्रोडक्शन, ईमेल पॉलिसी, डाटा कंट्रोल, क्वारंटीन मैनेजमेंट। और आज का मेरा जो वीडियो DKIM की वेरीफिकेशन की साइनिंग, तो इसका मतलब है डोमेन की वेरीफिकेशन समथिंग कुछ है, एग्जैक्ट मैं भी भूल गया हूँ, सॉरी। डोमेन की आइडेंटिफिकेशन मेल, KDMI का फुल फॉर्म होता है डोमेन की आइडेंटिफाइड मेल, ऑनलाइन क्लास डे 5। आज का मेरा इस ईमेल मॉड्यूल का मेरा लास्ट वीडियो गाइस। आज के बाद मैं इस ईमेल मॉड्यूल के ऊपर डिस्कशन लेके नहीं आऊँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है कि आपने अगर इनेबल करे तो आपका बिजनेस, आपका इंफ्रा काफ़ी सिक्योर हो जाएगा ओवर द ईमेल। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल वीडियो को। तो डोमेन की आइडेंटिफिकेशन मेल्स, DKIM जो है डोमेन की आइडेंटिफाइड मेल्स, ऑथेंटिकेट ईमेल सर्वर फॉर डोमेन्स, मतलब ईमेल सर्वर्स को ऑथेंटिकेट करता है फॉर डोमेन के लिए। आउटबाउंड ईमेल्स आर साइंड विद द इनक्रिप्टोग्राफी सिग्नेचर बेस्ड ऑन द ईमेल हेड यूजिंग द प्राइवेट की। ये सारे मेल्स पे अप्लाई होता है। द रिसेप्शनिस्ट कैन क्वेरी DNS, रिट्राइव द पब्लिक की एंड वेरीफाई द हैशिंग एंड सिग्नेचर ऑफ द ईमेल्स, कन्फर्म इट इज नॉट हैज बीन टेम्पर्ड विथ ट्रांसिट। अगर मैं रिसीव होने में कहीं टेम्पर्ड हुआ है तो वो उस टाइम पे कन्फर्म करेगा कि मेल किसी ने सेंड किया, कहीं बीच में किसी ने हैक करके उसमें कुछ चेंज करके वापस किया क्या, वो बहुत सारी चीज के ऊपर डिपेंड करता है, आगे हम डिस्कस कर लेंगे। ये DKIM वेरीफिकेशन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ईमेल्स में जाना है। ईमेल्स में जाने के बाद जनरल सेटिंग्स में जाना है। जनरल सेटिंग्स में स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो DKIM वेरीफिकेशन ऑप्शंस आपको दिखेंगे और इसको आपको ऑन करना है। DK वेरीफिकेशन फेल्ड को एक्सेप्ट करना है, इनवैलिड DKIM सिग्नेचर्स को क्वारंटीन करना है, नो DKIM सिग्नेचर्स फाउंड को क्वारंटीन करना है। इसका मतलब क्या है कि जिस भी ईमेल आईडी में DKIM सिग्नेचर्स नहीं होगा, वैलिडेट नहीं होगा, वो मेल क्वारंटाइन होगा, और नो DKIM सिग्नेचर के साथ में जो मेल फाउंड होगा वो भी क्वारंटाइन होगा, मतलब वो रिसीव नहीं होगा, मतलब वो मेल फ्रॉड है, वायरस वाला है, उसमें कोई हैकिंग का डिटेल्स है, हैकिंग लिंक्स है, वो सारे ऑप्शंस उसके अंदर हो सकते हैं। तो आपको ये ऑप्शन अपने फर्म जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनेबल करिए, जिससे आपके नेटवर्क में वायरस अटैक होने के ओवर ईमेल कम ऑप्शंस हो सकते हैं। आगे चलते हैं। अब की क्या होती है, जनरेट अ न्यू की फॉर एक्सपोर्ट द पब्लिक स्क्रिप्टिंग अनवांटेड कैरेक्टर्स। तो ये अपने फायरवॉल को लॉगिन करके, आप अपने फायरवॉल को लॉगिन करेंगे और वहाँ पे जैसे ही आप एक की मतलब इसको प्रेस करेंगे इनका कमांड्स, तो आपको ये सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे और दिस इज अ पब्लिक की आफ्टर स्क्रिप्टिंग अनवांटेड, ये एक स्क्रिप्टेड की आपको मिलेगा। ये फायरवॉल को जब पुट्टी में आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शंस आपको दिखेगा। इसके कुछ कमांड्स हैं जिसका मैं लिंक में डिटेल्स भी आपको दे दूंगा। तो DKIM साइनिंग जो ऑप्शंस है, साइनिंग में कैसे है कि ईमेल्स में हमको जाना है और जनरल्स में जाना है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी हमने लास्ट में हमने डिस्कशन किया कि इसको कैसे हमको इनेबल करना है, सॉरी गाइस, इसको कैसे हमको इनेबल करना है। यहाँ पे ईमेल्स में गए हमने, अभी मैंने बताया आपको जनरल सेटिंग्स में जाना, DKIM वेरिफिकेशन ये सब इनेबल्स करने के बाद हमको DKIM साइनिंग में आपको दिखेगा यहाँ पे कि आपका फायरवॉल साइनिंग हुआ है प्राइवेट की के साथ में। आप यहाँ पे ऐड करेंगे, जब वहाँ पे कमांड से इनेबल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखने लगेगा। तो DKIM साइनिंग में जब आप इनेबल करेंगे, TXT रिकॉर्ड्स, टेक्स्ट DNS रिकॉर्ड यहाँ पे सेव होगा और यहाँ पे लॉग G1 डोमेन की सेलेक्टर ऑन द होस्ट सेलेक्टर डोमेन की, फिर यहाँ पे आपके DKIM वर्जन कौन सा था वो यहाँ पे आएगा, की एल्गोरिथम क्या की उसमें लगा वो आएगा, और यहाँ पे पब्लिक की क्या यूज हुई है वो आएगा।
तो इन्फॉर्मेशन आएंगे। अब आपको फायरवॉल में क्या करना है, सेट टाइप टेक्स्ट, फिर वहाँ पे टाइप करना है एल ओ एन जी डब्ल्यू वन डोमेन की, सोफोस का टाइप करना है, एक्स वाई जेड ये डोमेन नेम रहेगा आपका, और इंटर का फायरवॉल इंटर करेंगे तो आपको ये की आपको मिल जाएगा, ऑथोराइजेशन आंसर कैन बी फाउंड फ्रॉम, यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन से भी देखिए, यू कैन इंक्लूड इस तरह से डीएनएस रिकॉर्ड्स एंड इंडिकेट इट इज फॉर द टेस्टिंग एंड दिस इज ए रिसेप्शन शुड बी इग्नोर विन के डी के एम आई सिग्नेचर्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन सबसे ज़्यादा है कि आप ये पहले सबसे पहले ऑप्शन इनेबल करिए, उसके बाद ये कमांड लाइन से ये कर सकते हैं। इसके लिए आपको सोफोस का सपोर्ट लेना पड़ेगा, सोफोस में केस लॉक करके कि हमको डी के एम आई साइनिंग सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो हेल्प कर सकते हैं, या फिर मैं कुछ इसके लिए रिलेटेड डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा, उसको देख के भी आप ये कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो इस गाइड में इस वीडियो में गाइड इतना ही था, इसमें आपको ईमेल प्रोटेक्शन रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, ताकि आपको पता चले कि ईमेल प्रोटेक्शन क्या क्या होते हैं, और मैंने जितने ऑप्शन से 5 मॉड्यूल्स बताया, 5 मॉड्यूल्स को आपको प्रॉपर रीड करना है। 100% बोल रहा हूँ कि आप नेटवर्क में आपके वायरस फ्री ईमेल्स रिसीव होंगे, और आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप काफ़ी संतुष्ट होंगे। प्लीज़ यार लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।